शिक्षा अधिकार कानून 2009 अधिनियम के तहत सभी प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल में बालक बालिकाओं के शौचालय अलग अलग होने चाहिए। स्कूल के शौचालय की स्थिति बहुत ही खराब है। सोनाली जैसे और भी 34 बच्चे हैं जिन्हें स्कूल में शौचालय ना होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे स्कूल में जो शौचालय बना था वो टूट गया है। हम अपने घर चले जाते हैं लेकिन बाहर के आने वाले लोग को परेशानी होती है और वो अगर घर जाते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। आपके यहाँ जो स्कूल है और उसमें जो शौचालय है वो उसकी क्या स्थिति है? हमारी प्राथमिक शाला में शौचालय बालकों का है, चूँकि कोई एजुकेशन है यहाँ बालक बालिकाओं का, तो बालिकाओं का शौचालय अलग से होना चाहिए जो हमारे यहाँ नहीं है। उसके लिए आपने क्या क्या किया? हाँ, उसके लिए हमने हमारे BRC में उसकी लिखित सूचना दी, सरपंच से भी हमने बार बार बोला कि बालिका शौचालय हमारे यहाँ है नहीं। उन्होंने भी जाकर के BRC में पता किया लेकिन अभी तक बालिका शौचालय का निर्माण नहीं किया गया। आपके यहाँ पहले शौचालय नहीं था तो क्या दिक्कतें होती थी आपको? हमें कठिनाई होती थी और बाहर खुले पे जाना पड़ता था। और अभी आपके यहाँ शौचालय बन गया है? हाँ। कब बना है ये? हमें 2016 में। अब कैसा लगता है आपको? अब अच्छा लगता है। हमारे यहाँ बालिका शौचालय अलग से नहीं था लेकिन अब बन चुका है और उसमें हमने जिस अपनी बात रखी अधिकारियों के सामने तो BRC महोदय वगैरह ने इसमें ध्यान दिया और वीडियो बना था उसका। अधिकारियों ने उसको देखा तो स्वाभाविक है, इसलिए हमारी बात को उन्होंने माना फिर से और फिर यहाँ शौचालय बना। अच्छा, अभी आपके यहाँ जो शौचालय नहीं था तो आपको क्या दिक्कतें जाती थी? हमको बाहर जाना पड़ता था और जो बाहर से जो लड़कियाँ आती थी वो मर करती जाती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी यहाँ। अच्छा, अभी आपके यहाँ शौचालय बन गया है? हाँ। ये कब बना है? ये बना है एक दो महीने हो चुके हैं। अच्छा, आपके यहाँ बालक बालिकाओं का अलग अलग शौचालय की एक साथ है? अलग अलग शौचालय। अब आपको कैसा लगता है यहाँ शौचालय? अच्छा लगता है। मैं रेखा भांगरे, ग्राम मरझोर, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।